क्या मैं दिख रहा हूँ? हो गया। हाँ, हेलो दीपक भाई, व्हाट इज अप? हेलो, कैन यू सी मी? यस सर, वी कैन सी यू। हाउ आर यू? वेलकम टू द स्ट्रीम। या आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। बच्चे दो लफंगे कौन है, नंगे पुतंगे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत मालूम है तुझे, आराम से बैठ जा बुढ़े आदमी, आराम से बैठ जा। और आप जो काम करने आए वो काम कर ले। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को बुला के तुम्हारा शो बहुत ही अल्ट्रा लो डाउन मार्केट कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुन, तू आराम से बैठ जा। तू पहले गेम शुरू करना, जो तेरे जो माथे पे फोड़ा नजर आ रहा है ना, इसे चप्पल मार के इसे फोड़ दूंगा मैं तेरे फोड़े को। ये ध्यान रख ले, आराम से बैठ जा जहां पे खड़ा है, बता रहा हूँ तुझे। अच्छा सुनो, तुम्हें कॉफी पीने के टाइम ऐसी आवाजें मत करो, ऐसे फुरुक फुरुक आवाज मत करो। तुम्हें क्या पता कह नहीं रहा है? कॉफी कैसे पी जाती है? कॉफी? नहीं पता नहीं तुम क्या पी रहे हो, चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, नहीं, बट तुम्हें पता है कैसे पी जाती है अबे मीठे, मैं तो मीठी कॉफी फीकी कॉफी पीता हूँ, लेकिन तू तो पता नहीं क्या क्या पी जाता है। तुझे खुद नहीं पता तू क्या क्या पी जाता है? तुझे खुद पता है क्या क्या पी जाता है तू? ये? और अभी मैं बहुत कुछ पीने के लिए होटल आईटीसी मौर्या दिल्ली में आ रहा हूँ। पिछली बार मैं अच्छा, तू होटल ताज पैलेस में कोई 25 डेज कोई रहा। नहीं, कोई सुन, नाम मत बता, कोई नहीं आ रहा तेरे कहने पे, नहीं आ रहा। मैं कहीं तू सोच रहा, तू मुझे नाम मत बता कि तू सोच रहा है जो मैं आऊंगा। तू नाम मत बता मुझे। एक्सक्यूज मी, हेलो, मुझे मिलने के लिए बहुत अमीर लोग आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे मीठे है, सुन मुख्यमंत्री मेरी लोगों बात की को, सुन जरूरत नहीं सुन है। सुन, तेरे को मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा, तेरे को मिलने के लिए घोड़े आ रहे हैं। घोड़े ले जाएंगे तेरे को, ऊपर बैठा के तेरे को, तेरे ऊपर, और कूड़े में ले जाकर फेंक देंगे तुझे। तो तू कूड़े में साले तो दो तुम पौड़ी, जरूर तू मेरी बात को, मिलोगे, तू क्योंकि दो पौड़ी वो सुन ले, तुम्हारा तेरी मेरी बात डेस्टिनेशन को, है। कूड़े मेरी बात में सुन, तुम तू दो हमेशा पौड़ी, पाए जाते हो, वहां पे हाँ तुम मुझे अबे जरूर सुनो मिलोगे सुन, मेरी कूड़े बात में। को सुन सुन सुन, दो पौड़ी के आदमी, मेरी बात सुन, तुझे मिलने के लिए करेगा क्या कोई? मिलने मिल के करेगा क्या तुझे कोई? ये बता, तेरा तेरा सिर्फ मुंह पता है किस लिए है? तेरा मुंह सिर्फ थूकने के लिए और चाटे मारने के लिए है। तेरा मुंह सिर्फ इतने चार चाटे इधर से मारो, चार चाटे इधर से मारो। मैं सही बता रहा हूँ तेरे को, तेरी जिंदगी अच्छा खराब तुम ये है। गाय जो कूड़ा खाती है उसको तुम जोमैटो जोमैटो से कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? या तुम गाय को सौंपे? सुन मेरी बात को साले, गाय जो कूड़ा खाती है, मैं तो कूड़ा भी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक मुझे पसंद तो करती है। तू तो साले रील बनाता है, तब भी तुझे पब्लिक पसंद नहीं करती, तेरे तब भी तेरे मुंह पे पेशाब करके जाती है पब्लिक वीडियो में। दोस्तों दोस्तों, लड़ाई बस लड़ाई माफ करें दोस्तों, हाँ, हम यू नो इसे समझा लो बुड्ढे, आराम से अपना काम कर ले यहाँ बैठ के, वरना यहाँ पर भी अपनी इज्जत देगा, इज्जत गवा की जाएगा। तू तुझे मैं दोस्तों पहले ही समझा रहा हूँ। दोस्तों पहला रेना मुझे रेना मुझे बुलानी पड़ेगी गुजरों की सेना। अबे साले मेरी बात, अबे दोस्तों साले मेरी बात सुन, क्यों तूने गुजरों का नाम बदनाम कर रखा है? गुजर गुजर बोल के गुजरों के हाथों से तू कितनी बार पिट चुका है? तू मार्केट में कभी, तू मेट्रो में पिट चुका है? हरियाणा तू जा नहीं सकता, हरियाणा में तेरे पे बैन है, ठीक है? दिल्ली तू आ नहीं सकता, स्टोरियां तू लगा नहीं सकता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। तू हर जगह से तू बैन है, उत्तराखंड से तू बैन है साले। तू एक बार तू अपने घर में घुसा रहता है साले, मर जाएगा किसी दिन डिप्रेशन में आके। साले अच्छे काम कर ले, मंदिर मंदिर जाके भगवान से माफी मांग ले, जो तूने गंदे कर्म करे अपनी जिंदगी दोस्तों में। दोस्तों एक सेकेंड, लड़ाई बंद करते हैं दोस्तों। आज मैं आपकी ना दोस्ती कराता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि दीपक कराल जी आए हैं एज अ गेस्ट टू सपोर्ट यू गाइज। यार आप तो लड़ रहे हैं भाई पुनीत जी, उनके साथ इतने बढ़िया बढ़िया लोग आए हैं। पुनीत जी लड़ाई मत करिए आप। दीपक जी क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको मैक्सटन और पुनीत सुपरस्टार के बीच के शतरंज के मुकाबले में आज कौन जीतेगा? ये मैक्सटन जो है, इसके बारे में मैंने कुछ सुना है, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे उसकी शक्ल दिखाओगे? अरे ये इसकी वही शक्ल, हाँ शक्ल दिखा दो भाई इसकी, जरा शक्ल दिखा दो मैक्सटन की, मैक्सटन की शक्ल दिखा दो इसको, जरा मैक्सटन की मैक्सटन, शक्ल दिखा दो। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैक्सटन वही है जिसको अलीश मैक्सटन यादव ने चप्पल की शक्ल चप्पल से मारा था। अबे दिखाओ इसकी, इसको जरा वही मैक्सटन, मैक्सटन की इसको शक्ल दिखा दो साले की, मैक्सटन की शक्ल दिखा दो इसको, शक्ल भाई इसकी शक्ल तो दिखाओ मैक्सटन की। रुको रुको, मैं आप आपको दिख नहीं रहा क्या? मैक्सटन भाई, मैक्सटन बहुत सुंदर आदमी है भाई यार। मैक्सटन की शक्ल, भाई मैक्सटन की शक्ल लेके आओ जरा, मैक्सटन की शक्ल दिखाओ जरा भाई, ये देखो अच्छा, तो ये इधर मैक्सटन दिखाओ वही ये, है जिसको अलीश यादव ने भाई ये, चप्पल, अरे भाई ये वही है सड़क क्या? पिक्चर का, सड़क पिक्चर का जो विलन था ना, ये तो वो लग रहा है मैक्सटन मीठा, ये तो सड़क अरे पिक्चर का रुक जो जाओ विलन यार, था। रुक जाओ आप लोग, लड़ाई बंद करो यार। आप दीपक राज क्या अरे लगता भाई, है? अरे भाई लड़ाई, अरे भाई एक बार बताओ, ऐसी ऐसी शक्लों के लोग लेके आओगे यहाँ पर? मैं यहाँ पर तो भाई लड़ाई तो होगी, ये कोई नहीं, पीछे लड़ाई तो तेरे होगी नाम का तुम्हारी भाई। सलमान खान कौन है? ये तेरे नाम का सलमान खान कौन है पीछे? अबे साले मेरी बात सुन, ये ना ये लगन तो 25 नहीं साल लगी, इसको देख के हगन लग जाएगी लोगों को। हगन लगन तो पता नहीं है, ये लेकिन आगन इसकी लगेगी कितनी तेरे मुंह टॉयलेट पे वाली हगन आके, लग सुन ये जाएगी। तेरे मुंह पे आके आगन दोस्तों लगेगी, ये सुनो तेरे तो मुंह पे यार आके आगन भाई, लगेगी। दीपक भाई आप प्लीज आपका फैसला लीजिए कि कौन लगता है आपको जीतेगा सागर ठाकुर मैक्सटन और पुनीत सुपरस्टार के बीच के मुकाबले में। ये तीसरा नाम मैक्सटन कौन और बताया पुनीत, आपने? ये इस मैक्सटन का दूसरा नाम ही सागर है। अच्छा ये मैक्सटर वही तो नहीं है ओके बेकार, ओके जिसको अभी एल्विस ने चाटे चाटे मारा था जिम में घुस के, वही है क्या ये?
वही है क्या ये वही है क्या मैक्सन भाई? भाई बहुत अच्छा जोक मार रहे भाई, जोकर हो गया भाई। भाई एक बात तो भाई, वैसे सही ट्रिक भाई तुम्हें फेमस होने के कितने पैसे भाई, रुक जाओ यार तुम लोग यार। सही ट्रिक भाई, ट्रिक तो तुम लगाते हो भाई, ट्रिक तो तुम लगाते हो दीपक भाई। भाई वाला सही ट्रिक, सही ट्रिक लगाई है, सही ट्रिक लगाई है एक्शन तूने, सही ट्रिक लगाई है एक्शन में। दोस्तों रुक जाओ, साले मैक्सन साले इतने चाटे, इतने झूठ मारूंगा तेरे मुंह पे आके। अरे कितने पैसे दिए तो तुम साले भूले आदमी, साले बोली की दुकान पे झूठ मारूंगा तेरे मुंह पे। एक सेकंड सुपरस्टार गुस्सा हो गया भाई, सुपरस्टार गरीबों का सुपरस्टार गुस्सा हो गया। दीपक लाल का घोड़ा इतना मोटा है तेरे मुंह में दबा दब देकर, और सारा दरवा अलग पैसे निकाल लेगा इसलिए आराम से बैठा। कैसे घोड़ा तूने से घोड़ा ले रहा है? अरे इसने घोड़ा ले रखा है गाइस, सारे नक्सल करे मुंह पे फुंका होगा। तू क्या कर रहा है? तू क्या मेरा फुंका हूं उसकी सगा लगा। बहुत ही बदसूरत है ये, देखो भाई तूने क्या किया गाइस। ये लोग तो लड़ते रहेंगे, एक सेकंड लड़ाई बंद करें, लड़ाई बंद करें। दीपक भाई आपका फैसला सुना है ताकि हम प्रतियोगिता शुरू कर पाए दोनों के बीच की। दीपक भाई क्या लगता है कौन जीतेगा इनमें से? मुझे लगता है कि इस पे कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा, क्योंकि ये हार के साथ ही है। थैंक यू सो मच दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। समय ये सच है क्या, एक बार आपने सबको अनफॉलो किया था इंस्टाग्राम में, तब आप एक ही जन को फॉलो कर रहे थे? सिर्फ दीपक लाल को ही फॉलो करता। अच्छा, दीपक लाल इज लेजेंड। तो दीपक लाल जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आई होप यू हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, लव यू।